नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है कम्प्लीटली मास्क के ऊपर में, कि आप मास्किंग कैसे कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स में। तो आफ्टर इफेक्ट्स की जो मास्किंग है वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, एंड देन बहुत कुछ कर सकते हो आप आफ्टर इफेक्ट्स के मास्किंग के थ्रू। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे कंप्यूटर में और देखते हैं कि हम लोग मास्क किस तरह से कर सकते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट्स में। तो आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है मास्किंग, मास्क। तो आप मास्क कैसे कर सकते हो किसी भी चीज़ को। मास्क से आप लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गए बिकॉज ऑफ कि कोविड के टाइम में हम लोगों ने मास्क पहन के बहुत टाइम गुजारे हैं। तो आपको पता होगा कि मास्क होता क्या है, एटलीस्ट मास्क तो सुना ही होगा, बट यहाँ पे मास्क थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग मास्क किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं मास्क को। तो सबसे फर्स्ट में मैं ये दिखा देता हूँ कि मास्क होता क्या है और किस तरह से वर्क में लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट इमेज लेके आता हूँ जिस पे मुझे मास्क करने हैं। तो जब भी अगर आपको मास्क करनी हो तो आप शेप्स को यूज़ में ले सकते हो एज अ मास्क। अब जैसे कि मान लो कि मुझे ये कुछ सीन ऐसे दिख रहे हैं एंड देन मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुछ बनाने के लिए। तो जब भी आप मास्क करोगे तो मेक श्योर कि आपको ये सिलेक्ट करके रखने हैं जिसे आपको मास्क करने हैं, एंड देन आप कुछ भी बना दो। अब जैसे मैंने ये रेक्टेंगल लिया एंड देन ड्रैग किया यहाँ पे, ऑटोमेटिकली हमारे जो सीन है वो मास्क में कन्वर्ट हो गए हैं। मीन्स आप जो देख रहे हो उस सिलेक्शन के अंदर में देख रहे हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मास्क। अब जैसे कोविड के टाइम में भी जैसे होते थे कि हमारे, एंड देन कोरोना के बीच में कुछ ऐसे चीज़ थे जो हमारे फेस को ढक के रखते थे या हाइड करके रखते थे, तो सेम काम होता है यहाँ पे भी मास्किंग में, कि आपको कितने पार्ट को दिखाने हैं कितने को नहीं दिखाने हैं, तो वो मास्क के थ्रू ही होते हैं। तो सिंपल सा आपको सिलेक्ट कर लेने हैं एंड देन ड्रैग कर लो एंड देन आपका मास्क हो गया। सेम थिंग अगर मैं कोई भी चीज़ लूँ, लाइक अगर मैं पेन टूल लेता हूँ एंड देन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे ये देखने हैं यहाँ पर जो हमारा सी बीच है उसको सिर्फ मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो सिंपली इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड देन आप देख सकते हो कि आपका जो सारे हाइड हो गए हैं एंड देन और सिर्फ आप सी को देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो कुछ इस तरह की चीज़ों को हम लोग बोलते हैं मास्किंग। ओके, अब जैसे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, लाइक मैं सबसे फर्स्ट मैं इमेज को, मैं दूसरे इमेज को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास दो फुटेजेस हैं, जैसे ये आप दो देख सकते हो फुटेजेस। तो मैं क्या करता हूँ, एक फुटेज को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, लाइक मेरा ये रहेगा एज अ बैकग्राउंड, या फिर अभी मैं इस इमेज को लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक फुटेज लेकर मैं आ गया यहाँ पे। थोड़े से साइज़ आप बड़ी कर लो, फिट कर लेना अपने कंपोजर में, मीन्स फिट कर लेना यहाँ पे। एंड देन मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ना ये जो बोरिंग सी आपको जो दिख रही है क्लाउड, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ। ओके, मास्किंग के थ्रू। तो सबसे फर्स्ट आपको करने क्या है, जैसे कि मेरे पास जो फुटेज यहाँ पे दिख रहे हैं उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट सिलेक्शन बना लो आप। तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन बना लेता हूँ पेन टूल के थ्रू। सबसे फर्स्ट तो आप सिलेक्ट कर लो अपने फुटेज को एंड देन पेन टूल पे जाकर आप यहाँ पे क्लिक करो। आपको सिलेक्ट कर लेनी है कंप्लीट जो भी आपको यहाँ से हाइड करने हैं। तो मैंने क्या किया, अभी स्काई को किया है। अगर आप स्काई करोगे तो स्काई रहेंगे और ये रिमूव हो जाएंगे नीचे वाले जो हमारे बीचेस हैं एंड देन। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया, आप देख सकते हो कि जिसको सिलेक्ट कर रहे हो वो रहेंगे, अदरवाइज सारे हमारे हाइड हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जस्ट इन्वर्ट करना इसी चीज़ को, तो आप क्लिक करो, मास्क में चले जाओ एंड देन यहाँ पे आता है इन्वर्टेड। तो आप दोनों काम कर सकते हो, इन्वर्टेड भी ले सकते हो या फिर आप सिलेक्ट कर लो जिसको रखना है उसको सिलेक्ट करो, बाकी को मत सिलेक्ट करो। उसके बाद जब मास्क को क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे थोड़े फेदर भी आते हैं, तो थोड़े बहुत फेदर आप अप्लाई कर दो। ओके, हार्डली आई थिंक 10 भी बहुत है, तो 10 आप रख लो यहाँ पे फेदर। ओके, तो आप देख सकते हो कि जितने एरिया को मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं वो ब्लैक हो गए हैं, मीन्स वो ट्रांसपेरेंट हैं। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओ एंड देन दूसरे वीडियो फुटेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो नीचे में, सबसे नीचे वाले वीडियो ट्रैक में या लेयर पे, कुछ इस तरह से। ओके, तो मैं इसे भी थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से आप इंक्रीज़ कर लो। जहाँ पर भी आपको सेट करने हैं उसको थोड़े से ऐसे सेट कर लो आप। आप देख सकते हो एनिमेशन, थोड़े से आपको बेटर दिखेंगे बिकॉज ऑफ ऐसे। और एक काम करता हूँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने पीछे जो सबसे नीचे वाले मेरे जो लेयर है ना उसको आप सिलेक्ट कर लो कुछ इस तरह से, हैंड टूल आप हटाओ एंड देन चले जाओ सिलेक्शन टूल पे एंड देन यहाँ पे क्लिक करो ट्रांसफॉर्म पे एंड देन यहाँ पे आप स्केल कर दो। स्केल को क्या करो, यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया उसके लिंक को एंड देन आप क्या करो, यहाँ पे जाकर इसको कुछ इस तरह से आप ले सकते हो, बट बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं,
ओके कुछ इतने ले लो आप, फाइन, एंड देन आप देख सकते हो कि आपकी जो एनिमेशन है वो थोड़े से बेटर आपको मिलेंगे यहाँ पे, सी, ओके तो आप देख सकते हो कि एटलीस्ट स्काई में भी कुछ शूटिंग स्टार्स हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है, ओके एंड देन वाटर भी हमारा थोड़ा सा एनिमेट कर रहा है, तो ये बेटर थोड़े से लुक आ रहे हैं हमारे यहाँ पे जो हमने मास्क कर रखे थे। पहले वाले जो इमेज थे उसमें बहुत स्टैटिक स्काई थे तो वो मज़ा नहीं आ रहा था हमें, लेकिन अब भी अब अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके कुछ इस तरह से हमारे स्काई भी एनिमेट हो रहे हैं एंड देन आपके यहाँ पे जो हमारा फुटेज है वो भी हो रहा है। तो थोड़े से इन्हांस करने किसी चीज़ को तो मास्क के थ्रू आप कुछ इस तरह से ले सकते हो। तो इस तरह से हम लोग मास्क कर सकते हैं, मास्क के थ्रू आप कुछ भी ऐड कर लो, स्काई ऐड करो, रिमूव करो, कुछ भी ऐड करो, ओके। तो ये था मास्क वन। अभी मैं दिखाता हूँ, लाइक ये मैं यहाँ पे रख लेता हूँ फर्स्ट। तो ये कैरेक्टर है मेरा कुछ इस तरह से, 9 सेकेंड्स हैं तो 9 सेकेंड्स आप रखना है, तो आप इसको क्रॉपी कर दो यहाँ से, सिंपल सा यहाँ से यहाँ रख लो आप 9 तक एंड देन राइट क्लिक करके मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पे कुछ फुटेज ऐसे हैं कि जैसे ये कैरेक्टर ट्री के पीछे गया एंड देन ट्री जहाँ से विजिबल हो रहे हैं वहाँ से मुझे न्यू सीन को क्रिएट करना है या फिर मुझे ट्रांजिशन स्टाइल में मुझे चाहिए होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़े से आगे तक ले लेता हूँ यहाँ तक ट्री को एंड देन ट्री को आप सिलेक्ट कर लो, आई मीन पूरे फुटेज को सिलेक्ट कर लेना एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा अपने पेन टूल से। तो मैं कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे पूरे का पूरा ट्री को, सी इतना ही चाहिए मुझे एंड देन इसको क्या करना, क्लिक करो एंड देन आप यहाँ पे चले जाओ मास्क में एंड देन मास्क के अंदर में मिलेगा मास्क पाथ, क्योंकि आपको मास्क को एनिमेट करने हैं तो इसके लिए आपको क्लिक कर देने हैं यहाँ पे मास्क पाथ, सी एंड देन थोड़े से बैक आ जाओ। तो थोड़े से आपको क्या करना है, यहाँ पे आप चले जाना सिलेक्शन टूल में एंड देन फिर से सिलेक्ट कर लो सारे कीज़ को कुछ इस तरह से एंड देन आपको मूव करा देना है, सी जहाँ पे आपको ट्री, यहाँ पे ट्री कुछ इस तरह से है, ओके सी एंड देन लास्ट में आपको पूरे का पूरा थोड़ा सा ऐसे कर लेना है, सी। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ये मूव करेगा हमारा मूव करना स्टार्ट हो गया ट्री के साथ में। तो यहाँ पे आ जाओ, ट्री के यहाँ पे आ गए, फिर से सिलेक्ट कर लेना आप इसको, जितने भी हमारे यहाँ पे एंकर पॉइंट्स इसको सिलेक्ट कर लो एंड देन मूव कर दो शिफ्ट के थ्रू, यहाँ पे शिफ्ट के थ्रू थोड़ा सा बैक कर लो थोड़े बहुत, ओके आप देख सकते हो साथ साथ ही जा रहा है एंड देन यहाँ पे मुझे कम्प्लीटली बाहर निकाल देनी है। तो फिर से सिलेक्ट कर लो, फिर से यहाँ पे जाओ, एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करो सभी को एंड देन मूव कर देना, ओके तो ट्री को साथ साथ ही आपको मूव कराने हैं, एक एक करके आप देख लो थोड़े से कि कहाँ पे दिख रहा है कहाँ पे प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, सी यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से जा रहा है, ओके यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडजस्ट करने हैं मुझे, तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो थोड़े थोड़े से एडजस्टमेंट आपको चाहिए होंगे कहीं कहीं पर, तो कुछ इस तरह से आप पूरे का पूरा जो आपका ट्री है वो आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे, सी यहाँ पे गया एंड देन आपको यहाँ से इस ट्री को मूव कर देने हैं, यहाँ पे कहीं पे अगर दिख रहे हैं तो उस जगह में थोड़े से कट कर लो कुछ ऐसा। तो आई थिंक प्रॉपरली हमारा यहाँ पे एक वर्क हो गया कुछ ऐसे। थोड़े से अगर फेदर आपको लेने हैं तो फेदर ले लो, मैं बोलता हूँ कि 2-3 या फिर 5 तक भी ठीक है, तो आप ले लेना कुछ ऐसे, सी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा ट्रांजिशन तो चल रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके पीछे में मैं एक और फुटेज को ऐड कर दूँ, तो कैसे ऐड करोगे, तो सिंपल वे है, आपको यहाँ पे जाना है एंड देन दूसरे फुटेज को आपको इसके नीचे में लगा देने हैं, आई मीन ले लेने हैं। आप देख सकते हो जब भी आप एनिमेट करोगे इस चीज़ को तो कुछ इस तरह से आपका ट्रांजिशन क्रिएट हो रहा है, फाइन। तो आप इस तरह से ले सकते हो थोड़े बहुत, अगर आपको फुटेज आई थिंक मुझे लग रहा है कि थोड़े से छोटे हैं तो आप थोड़े से बड़े कर लो यहाँ पे फुटेज को, शिफ्ट एंड देन थोड़ा सा ड्रैग कर दो इस चीज़ को, हाँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे। सी ओके तो बोलने का मतलब है अगर कुछ इस तरह से अगर आप चाहते हो ट्रांजिशन काइंड ऑफ थिंग बनाना है कि सडनली जंगल से आप चले गए हो पूरे का पूरा आप सिटी में टाउन में स्ट्रीट में कहीं पे भी पहुंच गए हो तो आप कुछ इस तरह से बना सकते हो, सी सिंपल क्लिक
एंड देन ये हुआ हमारा स्मूथ ट्रांजिशन. तो ये हो गया एक ट्रांजिशन काइंड ऑफ की आपने सेलेक्ट किया एंड देन उसको मास्क करके मूव कर दिया एंड देन फिर आप वहाँ पे कुछ इस तरह से एनिमेट कर सकते हो कुछ ऐसे. सेम चीज़ में एक और भी टेक्निक से मैं बता देता हूँ. तो देखो आप यहाँ पे मेरे पास एक फुटेज है, मैं चाहता हूँ कि जब ये स्क्रॉल करे ना तो इस जो सॉकर है या फुटबॉल है उसके पीछे पीछे से मुझे कुछ दिखता हुआ सा जाना चाहिए, लिखा हुआ सा जाना चाहिए या फिर दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए कुछ. किसी चीज़ को आप विजिबल कर रहे हो, किसी चीज़ को आप मीन्स शो कराना चाहते हो, राइट? तो उस चीज़ के लिए ये बहुत बहुत यूज़फुल है. लाइक इस तरह तरह के वीडियोज़, चाहे वो कैरेक्टर हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. तो अब जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ ले लिया, इसी की मैंने एक डुप्लीकेट बना दी यहाँ पे, कंट्रोल डी एंड देन डुप्लीकेट. डुप्लीकेट करने के बाद आपको करना क्या है कि जो सॉकर है इसको आपको सेलेक्ट करने हैं. फिर से मैं पेंटूली यूज़ करूँगा, तो जितने को आपको रखने हैं उतने पे आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से आप शेप बना लो. बहुत कम सिलेक्शन लेकर आप शेप बना लो. सी, ऐसे करके मैंने कर दिया सिलेक्शन. तो ये हो गया मेरा. पहले तो आप बना लेना कुछ ऐसे एंड देन मैं चाहता हूँ कि कुछ टेक्स्ट लिख लूँ, तब आपको थोड़ा सा दिखाई भी देगा, अदरवाइज़ नहीं दिखेंगे. और मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो जस्ट क्लिक कर देना अपने टेक्स्ट को एंड देन लिख देना यहाँ पे ड्रीम ट्यूटर. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्रीम सिटी ट्यूटर, कुछ ऐसा जो मेरा अपना चैनल है उसके नाम को मैंने यहाँ पे ले रखा है. तो जहाँ से चाहिए जितना चाहिए उतने बड़े आपको यहाँ पे बना लेने हैं. तो मैंने इतना बड़ा सा टेक्स्ट ले रखा है, ठीक है? तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने अपने चैनल का नाम रख दिया यहाँ पे. अब मैं मास्क करूँगा. अब इस बट आपको करना क्या है, ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है ना इसको नीचे में कर दो आप, आई मीन इमेज के पीछे में. तो देखो एक इमेज आपका पीछे है, टेक्स्ट है एंड देन उसके ऊपर एक और फुटेज है जो कि मैंने मास्क कर रखा है, ओके? यहाँ पे तो मास्क को थोड़ा ऊपर ही रख लेता हूँ कि बेटर तरीके से मैं करूँ. अब देखो मास्क कैसे करने हैं एनिमेट. तो पहला तो आपको जो फुटेज पे मैं मास्क कर रहा हूँ उसे क्लिक करो एंड देन अगेन यहाँ पे चले जाओ मास्क में एंड देन यहाँ पे मास्क को फिर से क्लिक करना एंड देन इनेबल कर लो अपने स्टॉप वॉच को. सी, फर्स्ट मैंने कि यहाँ रखा है एंड देन थोड़ा सा बैक जाता हूँ, थोड़े से आई मीन जहाँ पे मुझे दिख रहे हैं अपने सॉकर्स, ओके? सॉकर जो दिख रहे हैं अभी इसको क्लिक करो. बस 1, 2, 3, 4 को ही मैंने सेलेक्ट कर रखा है एंड देन सॉरी इसको पूरे का सिलेक्ट कर लेना आप ऐसे एंड देन थोड़े से मूव करा लो अपने सॉकर के अकॉर्डिंग. सी, ऐसे एंड देन फिर फाइनली आपको फिर से सिलेक्ट करना है एंड देन इसको बाहर निकाल दो आप, शिफ्ट प्रेस करके बाहर निकाल दो. तो जैसे जैसे हमारे फुटबॉल ऐसे जा रहे हैं वैसे वैसे हमें इसको एनिमेट कर लेना है, ओके? तो पूरे अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर लो एंड देन आप शिफ्ट के थ्रू थोड़े से आप ऐसे मूव कर लेना. बहुत इजी वे में आपको क्या करने हैं, सेलेक्ट कर लेने हैं एंड देन मूव कर दो इसके अकॉर्डिंग. सी, लास्ट में आपको फाइनली बाहर निकाल देने हैं सारे कीज़ को. तो कुछ इस तरह से आपको क्या करना है, पूरे कीज़ में जाओ एंड देन इसको स्ट्रेट कर दो, कुछ ऐसे कर देना. सी, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा. तो फाइनली जो रिज़ल्ट हमारे पास है कुछ वो ऐसे हैं. आप देख सकते हो हमारा फाइनल रिज़ल्ट जो है वो कुछ ऐसे हैं. तो ये लोगो रिवील करने का एक तरीका है कि अगर आपको चाहिए लोगो रिवील वाले कुछ अगर बना रहे हो तो मास्किंग के थ्रू, तो बहुत इजी वे में आप बना सकते हो. तो ओके, तो ये था हमारा मास्किंग के ऊपर फर्स्ट टॉपिक. तो कुछ इस तरह से आप मास्क कर सकते हो बहुत ही इजी वे में. आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है. अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें. मिलते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर.